का सच क्या है यह जानना आवश्यक है। मोदी जी और नीतीश बाबू का यह जुमला पैकेज असल में जीरो पैकेज निकला, झूठ का पुलिंदा और बरगलाने का बवंडर निकला। 5 साल में 1,25,000 करोड़ के इस पैकेज में से जानी और चौंकिए मत केवल 1,559 करोड़ का काम ही पूरा हो पाया है। आई विल रिपीट माई सेल्फ, मैं फिर दोहराऊंगा, 5 वर्षों में 1,25,000 करोड़ के इस पैकेज में से केवल 1,559 करोड़ का काम ही जदयू भाजपा की प्रांतीय और दिल्ली सरकार कर पाई है। गृह मंत्री अमित शाह जी ने आज कह दिया कि बिहार में तो विकास और तरक्की इस 1,25,000 करोड़ के पैकेज से हुई है। झूठों के सरदारों की ये सफेद झूठ देख बिहार की बदहाली का अंदाजा लगाया जा सकता है और इसकी कुछ तफसील आपको हम देंगे। पैकेज में सबसे बड़ा हिस्सा 54,713 करोड़ रुपया नेशनल हाईवे निर्माण, गंगा सोम और कोसी नदी पर पुल का निर्माण और 12 रेलवे ओवरब्रिज इसमें शामिल थे। सबसे बड़ा हिस्सा 54,713 करोड़ का यह था। इसकी सच्चाई क्या है? भारत सरकार के सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने एक चौंकाने वाला खुलासा किया और बताया कि पैकेज में जो 44 राष्ट्रीय राजमार्ग थे उनमें से 5 सालों में 27 पर काम पूरा ही नहीं हुआ, यानी प्रगति हुई ही नहीं, और 17 परियोजनाओं की डीपीआर तक भी बना नहीं सके, यानी वो बच्चा पैदा ही नहीं हुआ। बहाना यह बताया जा रहा है कि बिहार में जदयू और भाजपा की सरकार, जो उनकी खुद की सरकार है, वो भूमि का अधिग्रहण नहीं करती, बिहार के ठेकेदार काम नहीं करते, बिहार में वन और पर्यावरण की मंजूरी नहीं मिलती। ये मैं नहीं कह रहा, लिखकर संसद में जवाब दिया है भारत सरकार ने 10 फरवरी 2020 को। इसका मतलब यह हुआ कि सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की 50,711 करोड़ 70 लाख की इन परियोजनाओं में से केवल 1,559 करोड़ की परियोजनाएं 5 वर्षों में पूरी हुई हैं। यह भारत सरकार ने संसद में जवाब दिया। और हमने क्या किया कि जो काम शुरू ही नहीं हुए या खत्म कर दिए उनकी एक सूची बनवा दी आपके लिए, हम आपको ये जारी कर रहे हैं। 27,000 करोड़ रुपए की तो यही सूची, यानी जो बच्चा पैदा ही नहीं हुआ या फिर पैदा होने से पहले ही गर्भ में तरक्की के बच्चे को मार दिया, वो ये सूची है, ये हम आपको जारी कर रहे हैं अलग से। इसी तरह